ठीक है सर, जब आपका आदेश है तो कोई बात नहीं, हमारे नेता हम आखिरी बात पर आ जाते हैं, जब आपका आदेश हो गया तो हम कानून मानते हैं, हम अनुशासन में रह करके आपसे पूछ के बात करते हैं। आपकी इजाजत होगी तो मैं आगे बोलूंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। बस खाली दो मिनट अगर इजाजत हो, अध्यक्ष जी से मैंने कहा था 20 मिनट का टाइम दिया था, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था, हमसे पूछा, मैं खड़ा हुआ उसी समय सोचा कि उत्तर दे दूं, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं समय आएगा तो उत्तर दीजिएगा। उन्होंने पूछा कि आप शूद्र हो, तो मान्यवर जब इस देश में मनुस्मृति बनी, चार वर्ण बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र में अहिर गड़ेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवल बिंद मला जुहा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान धोबी धरकर पासी खटिक खेला कुजला, ये 6743 जाति जब बनाई गई, मैं उसमें पैदा नहीं था, लेकिन जाति 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 नहीं है, चुनाव आता है तो ये जाति याद आ जाती है, ये हमने देखा है, और जाति को नकारा नहीं जा सकता है। हम शूद्र हैं, हम जातिवार जनगणना के लिए 20 साल से लड़ते हैं, ये विपक्ष के जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी, विपक्ष के लोग, चाहे हमारे बसपा के साथी हो, चाहे कांग्रेस के साथी हो, चाहे सपा के साथी हो, जब अकेले हम चिल्लाते रहे बाहर तहीन, किसी को सुनाई नहीं देता था, ये सुनाई नहीं देता। नहीं भाई, बात तो सुनी लो, सही बात जो कह रहा हूं, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सुनाई दिया, थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन सपा को सुनाई नहीं दिया। कांग्रेस से सपा का गठजोड़ था, कांग्रेस से सपा का गठजोड़ था, उन्होंने प्रस्ताव दिया, इन्होंने सुना होगा, लेकिन मैं उस समय साथ में नहीं था, साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि हम सदन से बाहर रहते थे। इस नाते जातिवार जनगणना के हम पक्षधर हैं, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक मैं दावे के साथ कहता हूं, बंजारा, बहेलिया, राजभर, चौहान, बारी, बियार, ऐसी ऐसी जातियां जिनको कोई काम ही पैसा नहीं है, जैसे हमने देखा, इसमें पढ़ा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसको कोई श्रम दिया ही नहीं गया तो उसको कौन सा काम देंगे भैया, तो उनको भी काम की व्यवस्था कराओ। मान्यवर आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि भर को कोई काम नहीं मिला है, चौहान को कोई काम नहीं मिला है, बारी बियार को कोई काम नहीं, बंजारा को कोई काम नहीं, अर्गवंशी को कोई काम नहीं, तो इनको भी कोई पैसा दिलाने का व्यवस्था बनाई जाए, ताकि ये भी अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसी नाते हम पुनः नेताजी, जो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, उसका यही उत्तर है कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था बनी, उस हिसाब से हम शूद्र हैं। जो देश में जाति है, तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के दिया जाता है, जब तक तहसील में ठप्पा मार करके दिया जाएगा कि तुम भरो, चौहान हो, बिंदो, केवट हो, मल्लाह हो, ब्राह्मण, राजपूत, तब तक ओम प्रकाश राजभर जाति को मानता रहेगा, जाति की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।